भी जस्ट यहाँ आया था क्योंकि मुझे नोट चाहिए थी। अम्मी ने छोटे मंगवाए थे 5,000 के, जो ईदी में बांटने के लिए, ईदी में बांटने का भी 50-50 का पूरा बंडल ले जाए 5,000 का, लेकिन 10 का भी बंडल चाहिए, 10 का बंडल यहाँ है नहीं, तो उसके लिए मेरे दूसरे का जाना पड़ेगा। 10 का मेरे को भी 1,000 का चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ 50-50 का रहता है, लेकिन तब जा रहे घर जाए फिर दूसरे का पूछ लेते वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वहाँ से फिर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे का मेरे को ध्यान था लेकिन यहाँ अभी बंद है, ये पता नहीं कब चालू होगा। ना कह रहा मैंने उसको पूछा तो ना कह रहा कहता 10 का बंडल नहीं मिलेगा, बहुत हार्ड है, फिर भी तपास करना था फिर ढूंढ लो, मैं ढूंढ लगा लेकिन मिलना नहीं, 50 का मिल गया लेकिन 10 का नहीं मिलता। एक ये है लेकिन इसकी ये दुकान बंद है, ये पता नहीं कब चालू होगा। दूसरे का तो मेरे को कहीं दिख मिला नहीं है, कब हुआ फाइनल ये भाई आ गए और इनके पास ही मिलेगा, इनके पास हम ले लेंगे। अभी इसको पूछा तो भाई कहता है कि 1,000 रुपये 600 रुपये चार्ज लगेगा, इसके 600 रुपये ऊपर से एक्स्ट्रा। जी भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से लेगा वो अभी 2,000 बीजीस का बंडल लेना है, 2,000 रुपये तो अभी ले है। देखो 20 का बंडल भी ले लिया और ये रहा हमारा, और ये हमारा 50 का बंडल, दोनों बंडल का हो गया। अभी आते सीधा घर और सो जाते। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने अचानक से आगे की ब्रेक मारी तो थोड़ा गिर गया। उनको खबर नहीं है, उनका क्या रिएक्शन है तो पता नहीं। देखो ये यहाँ लगा, यहाँ लगा सुहाना, यहाँ अम्मी क्या वहाँ भी लगे रहे, तीन उंगलियों पे यहाँ यहाँ और यहाँ। किस तरह गिरा, किस तरह गिरा? आगे की ब्रेक मार दी। कौन सी बाजू है? वहाँ पे पंपिंग के पास, दवा खाने जाना नहीं है। क्रीम लगा रहे हो कोई भी? नहीं है, कोई भी क्रीम नहीं है। तो वो पूरा ड्रेसिंग करेगा वो? हाँ करवा, ये सब साफ करवा। क्यों भेजो ऐसा, क्यों ऐसा? मैं तो कहती हूँ क्या हिसाब से तुम लोग करते, क्या करते क्या? जाम उसका तोड़ी गिरा मैं, दोनों ब्रेक मारे लेकिन आगे के बधारे मारा गए तो इसमें फिसल गया गाड़ी आगे, ठोकाया ठोकाया नहीं बोलते सर, ठोकाया नहीं अरे गाड़ी गाड़ी तेरी हो, तेरी खुद से जरा वो करा, ध्यान नहीं दिया। हाँ पीछे की मारी लेकिन आगे की ज़्यादा मार दी मैंने, तो आगे से वो ये हो गया। वो साफ करेगा नहीं डॉक्टर, चल ले बेटा। रोजा मोजा तोड़ूंगा नहीं मैं, रोजा तोड़ूंगा नहीं मैं, डेटर से धोना होगा तो हो जाएगा ना, खाली कर जाने की क्या जरूरत। वो करेगा, वो डेटर से वही करेगा साफ। ये ड्रेसिंग कराने ले जाता है, डर लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं ड्रेसिंग करवाने, जो मेरे को करवाना नहीं है बिल्कुल भी, डर लगता है इससे, अभी तक करवाया नहीं, आज पहली बार सब ये हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब था 2018 में हुआ था, मुझे याद है अभी भी, वो गाड़ी थी ये दादा भाई की 220, उस पर हुआ था, लेकिन उसमें थोड़े से एक ही चोट लगी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और रेसिंग तो मैं फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ लाइफ में, तो इसलिए डर लग रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था, जैसे बम्पर आए तो मैंने पीछे के ब्रेक से ज़्यादा मैंने आगे की ब्रेक मैंने दबा दी तो उससे पूरी मेरी गाड़ी स्लिप आ गई, बाकी तो यूँ तो कोई ठोका मोका नहीं, लेकिन सीधा गिर ही गया, और सब गिरने की वजह से मेरे को बहुत मार लगी। अभी इसी की दवा ले ली, ड्रेसिंग वेसिंग करी नहीं, क्योंकि भाई करना नहीं है भाई, बहुत डेंजर चीज चलता है, तो उसने ना बोला कर ड्रेसिंग मत कर, घर जाकर खाली पानी से कर ले तो वो अच्छा रहेगा, तो सीधा घर जाऊँगा अभी पानी से साफ कर लूँगा। हेलो भाई, अभी जस्ट आया हूँ दवा लेके, ये देखो ये सारी दवा लेकर आया, और डॉक्टर ने भी ना बोला ड्रेसिंग करने का, भाई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं ड्रेसिंग करने के लिए, जो ड्रेसिंग करूँ तो खाली घर जा, घर जाके खाली गर्म पानी से साफ सफाई कर ले बस, उसका होएगा।
तभी वही करूँगा और पानी का ना डेटल ना होगा जब बहुत डेंजर में वो अगन जलने वाली है। अभी वो कितने बज गया ना, आज तुमको बहुत ज़्यादा काम है आज तो ब्लॉग का। अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी समझो। अभी मेरे को 3 दिन का ब्लॉग मुझे बनाना है और प्लस आज का ब्लॉग मैं आज ऊपर से स्टैंड रहा था ना, आज ये गिरी, आज ये हो गया पूरा, ये मनुष्य ट्रैक थी पूरी, देखो नहीं पूरी फट गई, मनुष्य ट्रैक थी वो, तब उसको निकाल के फेंके देगा। रमजान के सदका भी निकाल दिया गया क्योंकि लोन का कलेक्शन का भी इतना ये था कि हमने सदका भी निकाला नहीं। और अब वही कह रहे कि सदका निकाला नहीं, उसकी वजह से थोड़ा सा आजाब हुआ है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अच्छा हुआ कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ पैर में ही लगा, हाथ पाँव में कुछ लगा नहीं मुझे। तो अभी सदका निकाले क्योंकि आज का लास्ट डे सदका निकालने का, तो अभी सदका निकाल के दे देगा जिससे हाँ अच्छा रहे। ठीक है, अभी गर्म पानी से कर लेते। ये मेरे को ये बहुत दुख रहा है, ये वाला, ये पता नहीं काला काला क्यों हो गया, ये दुख रहा है, ये 4 उंगलियाँ, ये 3 उंगलियाँ, बाकी ये खतरनाक लगे रहा है। एक्सीडेंट हो गया बाबा, क्या देखे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लेके, गाड़ी लेके गाड़ी में क्या रखा तुमने, वो था नहीं मैं अकेला था, ये थे कलर कलर नोट लेने गए थे। नमाज कैसे पढ़ूंगा, खाना खा लिया, नमाज कैसे पढ़ूंगा, कुर्सी बड़ी मस्जिद पे 7:15 का, बड़ी मस्जिद पे भी है, इतना छोटी हो गए तो, इतना छोटी हो गए तो क्यों ऐसे रिली है, क्यों ऐसे रिली। ये देखो अभी देखो कितना टाइम हुआ, बस थोड़ा टाइम बाकी, 2-4 मिनट और भी अजान हो जाएगी, रिफ्तार कर लेगी। तो ये मेरी फेवरेट आइटम वो सिल्ली, मैं अपने रशियन कटलेस, वो चने 65, ये आलू ने आलू पूरी, बाकी सब बाजू में शायद, बाकी डोसा भी अम्मी ने बनाया लेकिन वो बनाया नहीं अभी, डाला नहीं क्योंकि वो ज़्यादा आया करा, वो हिसाब से करा नहीं। और ये और ये बस वो और कुछ कैसे क्या कहते हैं, घिरे नहीं अभी तक क्या, इसको भी लेके गिरे, मम्मी को भी लेके गिरे, पीछे वाले की भूल, मेरा फोटो अपना फाड़ रहा था डब्बा ने, कोई की भी भूल लेके गिरे नहीं मेरे को, तुमने क्या मेरे तेरी भी नहीं गिरा थे बेटा, मारो सवाल मेरे ले फूट जान के, मैंने ड्राइविंग से मैं नहीं गिरा, तो तुम्हारी ड्राइविंग से ही हमारी ड्राइविंग से पीछे वाले ने, और तुम्हारा ध्यान रखने का वो पीछे वाले का, आगे ये सब का ध्यान तब रखना, पूरे धंधा था ना, अब क्या करते ड्राइवर आगे देखता है पीछे नहीं देखता, चारेबाजी देखता है वो ना भाई, आगे पीछे सब जगह देखता है, देखता है चारेबाजी देखता तो ड्राइवर करता है, जब पूरी का धंधा चलता था तब भी है ना मक्का पे था, खबर थैला लेके गिर गए, सभी थैला लेके ना पुड़िया लेके गिर गए, सबकी गलती तुम्हारी गलती है, अभी भी ब्रेक लग गए, वो पिक धोया रास्ते में पकड़े ला मैंने, हजूर खाए नहीं इससे पहले, चलो आंटी ने मेरे लिए भेजा लिए, हाँ नाम नहीं लिखे सब लिखे है, हाँ खाता कौन रोज, आंटी मैंने फोन पे बात कर ली, क्या बात कर ली है, क्या बात करी, इसके लिए वो आएगा, ये नहीं आया, नाम नहीं बोला इसका, चांद देखना नजर, चांद देखने निकले, चांद तो दिखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ, ये बिल्डिंग का पीछे आ गया साला, ये बिल्डिंग बीच में आ गए, पहले हमेशा दिखती थी, हटा दो वो, अब वो सिलक ही जाएगी वो कुछ, क्योंकि आज चांद हुए कि नहीं हुए, कल तो ईद ही है पक्का, ऐसा कुछ ये नहीं, कहाँ बनाएगी
किस तरह बनाएगी, यूं यूं करके बनाएगी। हैं क्या देखूं, कौन है ये? ये जिसको मुबारक जो रोजे रखता है, तेरे कितने रोजे? नहीं याद है कितने रोजे। पाँच छः सात खाली रखे, सात छूटे, सात रखे खाली। हाँ तो इसका मतलब यही होता है, मेरे एक भी छूटे नहीं। ये देखो मस्जिद में लाइसी लग गए, इसका मतलब चांद नज़र आ गया, लेकिन कहाँ नज़र आया वो पता नहीं, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा। कल रमज़ान है या कल सुबह सात, सॉरी कल ईद है। रमज़ान तो उड़ चली गई, कब चली गई पता नहीं चली। कल ईद है और कल सुबह 7 बजे की जमात है, ईद की नमाज है। नकल मुझे बहुत तकलीफ पड़ेगी, मेरा पाँव मेरे को ये इस तरह नमाज पढ़ा, मैं वो सोच रहा हूँ मैं दूसरे में बैठ कर नमाज पढ़ूंगा। शर्म आती है, शर्म नहीं, अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग हैं ना अपने देखने से पहले वो सोचते नहीं है कि भाई वो क्यों नमाज पढ़ ले, वो सोचेगा नहीं भाई वो क्या सोचेगा, भाई आराम कर ले उसके लिए कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है, वो सब सोचेगा नहीं कहीं उसको लगा होगा या फिर कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो कुर्सी में बैठ कर नमाज पढ़ ले, लेकिन ऐसा कुछ सोचेगा नहीं, वो सीधा यूँ बोलेगा भाई आराम करने के लिए उसने कुर्सी में बैठ कर नमाज पढ़ ले, तो वो सोचेगा। खैर जो भी हो, अभी अपना काम कर लेता ब्लॉग का, फिर बस इतना ही, ठीक है बाद में जो होता है देखते हैं। पता नहीं अभी अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, हाँ बांधो नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, सिर्फ पटा बांध रही है, अचानक से ब्लड निकलता होगी, इसमें से ज़्यादा निकल रहा है। इससे मैं क्या फजर में नमाज पढ़ सकूँगा। तो हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मुझे टोपी लेने के लिए, मुझे टोपी मुझे ज़रूरत है, तो मैं टोपी ले लेता हूँ भाई, आके जाना तो पड़ेगा मुझे, ये हालत में मुझे चलना तो पड़ेगा। ये देखो मैंने पटा बांध लिया दोनों जगह, और अभी बच चुके हैं 9, तो अभी आके बाहर आके टोपी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे अभी अभी जस्ट ले लिया टोपी, ये ब्लैक वाली जो कल हम पहनेंगे, और अब हम जा रहे हैं पेट्रोल प्लान, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, ठीक है। पेट्रोल प्लान देख सकते हो कितने बज चुके हैं अभी, 10:11 हो चुकी है, और बस आज का डे हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ब्लॉग का काम करूँगा, इसके बाद फिर मैं करने जाऊँगा, फिर डायरेक्ट मैं दवा पी के सो जाऊँगा। अभी थोड़ी दवा लगा ली, क्रीम जो थी मेरे पास वो लगा ली, क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है फजर में, कल ईद की नमाज़ पढ़ने जानी, तो वो हिसाब से जल्दी उठना है, और सब रेडी मैंने तैयार मैार भी होना है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छा लगे लो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं नए दिन के नए ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।